जय श्री महाकाल मेरे मित्रों, मेरी पुस्तक सारांश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं सुरजीत रॉय हूं और आज हम विक्रम संपत द्वारा लिखित पुस्तक वेटिंग फॉर शिवा के माध्यम से काशी के ज्ञान बापी के रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। काशी के हृदय में जहां समय ठहर सा जाता है और इतिहास प्राचीन पत्थरों के माध्यम से फुसफुसाता है, लचीलेपन और भक्ति की एक कहानी छिपी हुई है। विक्रम संपत द्वारा लिखित वेटिंग फॉर शिवा अनअर्थिंग द ट्रूथ ऑफ काशीज ज्ञान बापी पवित्र शहर के अशांत अतीत की गहन खोज है। भगवान शिव के निवास के रूप में अपनी स्थापना से लेकर हिंदू आस्था के प्रतीक के रूप में अपनी स्थायी स्थिति तक काशी ने प्रतिमा भंजन और उत्पीड़न के तूफानों का सामना किया है। अपनी उपस्थिति को मिटाने के कई प्रयासों का सामना करने के बावजूद शहर और इसके समर्पित निवासी अटूट संकल्प की भावना का प्रतीक बनकर दृढ़ रहे। संपत ने विनाश और पुनर्निर्माण की लहरों के बीच काशी के सबसे पवित्र मंदिर विश्वेश्वर के परीक्षणों और विजयों का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण किया है। यह गाथा 1669 में अपने चरम पर पहुंचती है, जब मुगल शासक औरंगजेब ने एक घातक प्रहार किया, मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया। औरंगजेब की कार्रवाइयों के परिणाम ने सदियों तक विवाद को जन्म दिया, क्योंकि हिंदुओं ने अपने पवित्र स्थल को पुनः प्राप्त करने की मांग की। औपनिवेशिक अदालतों से लेकर आधुनिक कानूनी लड़ाइयों तक ज्ञानवापी की मुक्ति के लिए संघर्ष युगों युगों तक गूंजता रहा है। सावधानी पूर्वक शोध और सम्मोहक कथा के माध्यम से संपत ने वैदिक ग्रंथों से लेकर फारसी वृत्तांतों तक विविध स्रोतों को एक साथ जोड़ते हुए ज्ञान बापी की छिपी सच्चाइयों का खुलासा किया। प्रत्येक रहस्योद्घाटन के साथ इस पवित्र भूमि के आसपास का रहस्य का पर्दा उठ जाता है, जो इसके ऐतिहासिक अतीत में एक मार्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वेटिंग फॉर शिवा इतिहास की पुनर्कथन से कहीं अधिक है। यह काशी और उसके भक्तों की स्थायी भावना का एक प्रमाण है, जो समय की गूंज के बीच अपने प्रिय देवता की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। नवीनतम पुस्तक सारांश और समीक्षा के लिए कृपया मेरी वेबसाइट पर जाएं। धन्यवाद। अगली कहानी में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।